संगीत रत्नाकर के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गायन वादन और नृत्य तीनों को सामूहिक रूप से संगीत कहते हैं। और यहाँ हम सब लोग मिलकर संगीत की उपासना कर रहे हैं, तो संगीत के तीनों ही आयाम में उन्नति आवश्यक है। इसीलिए जो अगला रंग है जो हमारे सामने बिखरने वाला है, हमारे सामने सजने वाला है, वो वादन का है। तो सितार और वॉयलिन के इस अद्भुत संगम को हम लोग देखते हैं। ये भी रागयमन में, जो आपने पहला गणेश स्तुति सुनी थी वो भी रागयमन में था। अब आप देखिए एक ही राग के कितने अलग अलग रंग होते हैं, उनको कितनी अलग अलग रंगों में सजाया जा सकता है, ढाला जा सकता है। तो आपने रागयमन में अभी भक्ति रस का आनंद लिया, अब रागयमन में दूसरा रस देखिए। होनी चाहिए हमारी प्रेम निधि के लिए, जो कि आजीवासन की प्रिंसिपल भी है और अभी भी वो सबको सितार सिखाती है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो सितार सीख रहे हैं, वॉयलिन सीख रहे हैं, दिलरुबा सीख रहे हैं, वो सब दीदी के स्टूडेंट्स हैं। तो जोरदार तालियां दीदी के लिए। मेरे बच्चे नहीं है, गलत क्यों बोला आपने, स्टूडेंट बोला, मेरे बच्चे और हम सब आपके बच्चे। देखो ऐसा बोलते हैं भरत मुनि को 100 बच्चे थे, 100 बेटे, 100 भरत मुनि को कितने बेटे थे, 100। तो क्या रियली उनके बच्चे थे वो? नो, दे वर हिज स्टूडेंट्स। इसलिए बोलते हैं उनके, वो मैं गंधारी के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी बात कर रही हूँ। भरत मुनि के 100 शिष्य थे जो एकदम पारंगत थे, एकदम अथॉरिटी ऑन म्यूजिक, एंड दे कुड ऑल परफॉर्म ब्यूटीफुली, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड हिज स्टूडेंट्स। आज सुरेश कभी भी उनको पूछते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि आपके पिताजी का नाम क्या, पूछते हैं आपके गुरु जी का नाम किससे सीखा। सो दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट।
फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वो सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो बात था उनको इतना अच्छा लग रहा था वो सब लास्ट वाली तान साथ में गा रहे थे। देखो फीलिंग सो गुड, ऐसी हमें आता है ये जो हो रहा है।